चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही साथ घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आप लोगों को मिल जाए, वो भी एकदम फ्री। नमस्कार दोस्तों, माइक्रोकंट्रोलर से रिले को इंटरफेस करने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सीखेंगे कि रिले की प्रोग्रामिंग कैसे करें उसे ऑन ऑफ करने के लिए। पिछले सारे पार्ट में मैंने आपको हार्डवेयर इंटरफेसिंग और ट्रांजिस्टर्स इंटरफेसिंग ये सारी चीज़ें बता दी हैं। जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी पुरानी वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको यहाँ से चीज़ें समझने में कोई प्रॉब्लम ना। तो देखो दोस्तों, टॉपिक आपने देख लिया, ATmega 16 जो हमारा माइक कंट्रोलर है उसमें हमने ट्रांजिस्टर से इंटरफेस किया रिले को चलाने के लिए। तो तीनों को इंटरफेस करके आज हम लोग सीखेंगे कि उसकी एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग कैसे लिखें। तो रिकैप के लिए मैं फिर से हार्डवेयर कनेक्शन वहाँ पर बनाता हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, दोबारा से एक बार बताता हूँ ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए। तो जल्दी से देख लेते हैं। सपोज ये हमारा माइक कंट्रोलर है Mega 16 MCU, मतलब माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, और कट मार्क के लेफ्ट साइड में पिन नंबर 1, राइट साइड में पिन नंबर लास्ट, क्योंकि 40 पिन आईसी है तो लास्ट पिन 40 होगी। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ भी है सारे वीडियोस में, पुराने सारे वीडियोस में, इसलिए जिन लोगों को ये बातें नहीं समझ में आ रही हो कृपया लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। तो ये है, और साथ में हमें क्या करना है, ये तो हमारा एटमेगा 16 हो गया, एक ट्रांजिस्टर चाहिए हमें। तो ट्रांजिस्टर हम बना लेते हैं, अपने एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं एक हमने जो ट्रांजिस्टर लिया वो एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया फॉर एग्जांपल, और पीएनपी लेंगे तो कैसे करेंगे वो भी मैंने पहले बताया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एनपीएन ले लेते हैं, BC547 ये ट्रांजिस्टर का नाम है एक्चुअली। तो ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, ये मीटर हो गया, जो मैंने आप लोगों को बता रखा है। और अब चाहिए हमें एक रिले, तो एक रिले ले लेते हैं, रिले डायरेक्टली कनेक्ट है, तो ये नॉर्मली कनेक्ट हो गया, ये नॉर्मली ओपन हो गया, ये दोनों पॉइंट आपके डीसी पावर सप्लाई के लिए हो गए। और ये जो रिले है ये हम लोग लेते हैं 12 वोल्ट डीसी की रिले। 12 वोल्ट डीसी के रिले मैंने इसलिए लिया है ताकि आप लोग ये समझ लें कि ये रिले 12 वोल्ट डीसी की है, मतलब 12 वोल्ट इनपुट चाहिए, और ये कंट्रोलर मैक्सिमम कितना आउटपुट दे सकता है 5 वोल्ट डीसी, जो मैंने आप लोगों को लास्ट सभी वीडियो में बताया है। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोग इस वीडियो पे नए आए हों या जिन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हों वो प्लीज़ लास्ट वीडियो ज़रूर देखें ताकि उन्हें कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया, और इसको ऑन ऑफ करने के लिए मैंने आपको बोला था एक लोड लगा लेते हैं। लोड मतलब सपोज हमें एक बल्ब जलाना है, तो हम क्या करेंगे, एक बल्ब ले लेते हैं, बल्ब का सिंबल बना लेते हैं। सपोज ये हमारा बल्ब है 220 वोल्ट एसी पे चलने वाला, घरों वाला, घर में जो बल्ब है, और ये हमारा घर का सॉकेट है जिसमें 220 वोल्ट एसी आ रहा है 50 हर्ट्ज पे, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, बल्ब का एक वायर डायरेक्टली इसमें कनेक्ट कर देंगे, दूसरे वायर को NO वाले पिन से कनेक्ट करेंगे, और फिर NC से एक वायर लाके सॉकेट के दूसरे पिन से कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने सब कुछ पिछले वीडियो में बताया हुआ है, फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं आप लोगों को ताकि रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो ये सेटअप हो गया है, अब हमें इन दोनों सबका आपस में इंटरकनेक्शन करना है। तो सपोज इस बार हम लोग माइक कंट्रोलर की बात करते हैं, तो इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कोई नया पोर्ट लें, तो हम लोग पोर्ट बी
और डी यूज़ कर सकते हैं। सपोज हम लोग 40 पिन का यूज़ कर लेते हैं, ये पोर्ट ए की पिन है और ये पोर्ट ए की 7th पिन है। आप लोग डेटा शीट में देखेंगे तो 40 नंबर पिन पोर्ट ए की 7th पिन होगी, PA7। ठीक है, तो सपोज इस बार हम लोग इसी पिन से कनेक्ट करते हैं, एक पोर्ट ए यूज़ करेंगे और इसी से हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए क्या करना है, ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने के लिए ट्रांजिस्टर के बेस में एक हम 1K का 1 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे करंट लिमिट करने के लिए, और दूसरे एंड को जिस भी पिन से आपको कनेक्ट करना है, कोई टोटल 32 आईओ पिन होती हैं, आप किसी भी आईओ पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पोर्ट ए की 7th पिन को ले लिया है, उससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कलेक्टर की पिन को रिले की किसी एक पिन से जोड़ देंगे। ठीक है, रिले की जो दूसरी पिन बची इसको हम डायरेक्टली 12 वोल्ट डीसी एक्सटर्नल देंगे बाहर से। अभी 12 वोल्ट डीसी आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए मैंने जो लास्ट के दो वीडियो बनाए जिसमें मैंने आपको 12 वोल्ट पावर सप्लाई से 5 वोल्ट पावर सप्लाई के बारे में बताया है, तो उससे आप 12 वोल्ट से 5 वोल्ट पावर सप्लाई बना सकते हैं। जो 12 वोल्ट की सप्लाई है उसे डायरेक्टली 12 वोल्ट यहाँ दीजिए और 5 वोल्ट की जो पावर सप्लाई है उसको कंट्रोलर को दीजिए, तो आपकी एक ही पावर सप्लाई से सब कुछ हो जाएगा। तो आप ये 12 वोल्ट डीसी आपको एक्सटर्नल देना है, बैटरी से दीजिए, एडाप्टर से दीजिए, किसी भी से दीजिए। क्योंकि क्यों 12 वोल्ट दिया हमने, क्योंकि इस रिले को चलने के लिए 12 वोल्ट डीसी की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए हमने 12 वोल्ट डीसी यहाँ दे दिया। अब देखिए, रिले के लिए मैंने आपको बताया था कि जिधर ये कॉइल लगा होता है उधर आपको एक पिन पर पॉजिटिव देना होता है, एक पिन पर निगेटिव देना होता है। तो देखिए यहाँ पर आपने 12 वोल्ट दे दिया, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई तो आ गई। अब यहाँ पर अगर आपको रिले को ऑन करना है तो आपको इस पिन पे निगेटिव सप्लाई देनी है, इसमें आपने कलेक्टर से कनेक्ट किया है। तो अब आपको निगेटिव लाने के लिए आपको करना क्या है, एमीटर वाले पिन को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है, मतलब 0 वोल्ट डीसी से कनेक्ट कर देना है। ये मैं आपको सेटअप बता रहा हूँ, जब आप ये कर लेंगे तो ये आपका एक माइक्रो कंट्रोलर से रिले के माध्यम से 220 वोल्ट एसी लोड को कंट्रोल करना आ जाएगा। अब बात देखिए इसमें खूबसूरती क्या है कि देखिए आप इनपुट डीसी वोल्ट दे रहे हैं, आपके पास जो डिवाइस है माइक्रो कंट्रोलर वो डिजिटल डिवाइस है, लेकिन आप उसे कंट्रोल क्या करने जा रहे हैं, एक एसी डिवाइस। ये रिले का काम है डिजिटल इनपुट लेके आउटपुट्स के माध्यम से एक एसी डिवाइस को कंट्रोल करना। 220 वोल्ट एसी पे जितने भी डिवाइसेस चलते हैं वो आप सारे कंट्रोल कर सकते हैं, वो बल्ब होगा, वो फैन होगा, वो 220 वोल्ट पे चलने वाला एसी होगा, माइक्रो ओवन होगा, वो हाउस होल्ड जितनी भी चीज़ें होती हैं जो सब 220 वोल्ट एसी और 50 हर्ट्ज पे चलती हैं, ये सारी डिवाइसेस आप इसके माध्यम से कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल मतलब ऑन या ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो ये तो आपका, ये देखिए जितना बन गया है ये आपका एक सेटअप तैयार हो गया, ऐसे आपको करना है। अब हम देखिए प्रोग्रामिंग सीखेंगे। प्रोग्रामिंग सीखने से पहले हमको ऐसा क्या प्रोग्राम लिखना है जिससे ये ऑन हो जाए, तो उसका जो लेआउट है, मतलब उसका जो ये कहिए कि विजुअलाइजेशन, वो हम देखते हैं। तो देखिए एसी लोड को ऑन करना है तो आपको, ये मैंने बताया था कि कोई भी एसी लोड तभी ऑन होता है जब उसमें करंट अपना एक पूरा पाथ कंप्लीट कर लेती है। सपोज हम पहले यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये हमारा एसी सोर्स है प्लग घर का, उससे ये दो पिन पे करंट है, मतलब करंट को यहाँ से चल के वापस इस सोर्स पे अगर करंट यहाँ से चल के वापस इस पॉइंट पे आ जाए तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, मतलब एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा करंट का और ये जल जाएगा। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से करंट चलेगी ऐसे, यहाँ से होते हुई यहाँ तक आई, यहाँ पहुँची और इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, तो करंट यहाँ से ब्रेक, करंट का पाथ जो है यहाँ से ब्रेक हो गया।
तो करंट वापस यहाँ तक नहीं आएगी, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा इस कंडीशन में। तो अगर इसे आपको बल्ब को जलाना है तो आप देख रहे हैं कि ये जो मूवेबल स्विच है जो मूव कर सकता है, उसको अगर हम इस पोजिशन से इस पोजिशन पर ले आए, आप थोड़ा सा विजुलाइज करें, अगर ये स्विच यहाँ से हटके इस पोजिशन पर आ जाए तो ये करंट जो यहाँ रुक गई थी वो वापस यहाँ तक पहुँच जाएगी और यहाँ से इसको एक पाथ मिल जाएगा जो वापस यहाँ तक आ जाएगा। तो ये करंट को पूरा पाथ कंप्लीट करने का मौका मिलेगा और ये पाथ, ये बल्ब जल जाएगा। और इस स्विच को इस यहाँ से मूव करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी इनपुट पर, इनपुट साइड में रिले के जहाँ पर एक कॉइल है, अगर एक पिन पर पॉजिटिव वोल्टेज और एक पिन पर निगेटिव वोल्टेज देते हैं तो एक फ्लक्स जनरेट होता है जिसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जो इसको नीचे की तरफ खींच के ले आता है। तो अब आपको इसका मतलब अगर यहाँ लाना है तो यहाँ पर आपको एक पिन पर पॉजिटिव और एक पिन पर निगेटिव लाना है। फिर हमने क्या देखा कि हाँ, एक पिन पे तो हमने एक सेलर पॉजिटिव वोल्टेज दे दिया है, अब इस पिन पे हमें निगेटिव लाना है। इस पिन पे निगेटिव लाने के लिए क्या करना है, अगर कंट्रोलर से चलाना है तो हमने देखा इसे कलेक्टर पे कनेक्ट किया हुआ है, मतलब इस पिन कलेक्टर वाली पिन पे हमें निगेटिव लाना है। अब रिले से कनेक्ट किया हुआ है तो आपको अब पता चला कि अच्छा, अब यहाँ पर लाने के लिए हमें स्विच, इस ट्रांजिस्टर का यूज़ करना है और ट्रांजिस्टर को स्विच करना है। स्विचिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था अगर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो हम उसके बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं और पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो कलेक्टर एमीटर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा कलेक्टर एमीटर आपस में जुड़ जाएंगे, जैसे ही सपोज करिए जुड़ेंगे तो ये जो ग्राउंड यहाँ पर इस पिन एमीटर पिन तक आया है और जैसे ही ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये यहाँ कलेक्टर पिन पर पहुँच जाएगा और पहुँचते ही क्या होगा, रिले को जीरो वोल्ट ग्राउंड मिलने लगेगा जिससे रिले एक्टिवेट हो जाएगा तो ये पिन नीचे आ जाएगा। तो अब इसको एक्टिवेट करने के लिए या स्विच करने के ट्रांजिस्टर क्या करना है, आपको बेस पे 5 वोल्ट लाना है और प्लस 5 वोल्ट पर ही एक्टिवेट हो जाता है। और प्लस 5 वोल्ट आप कैसे लाते हैं, आपको पता है कि अगर हम किसी भी माइक कंट्रोलर की पिन पर 1 लिख दें प्रोग्रामिंग के थ्रू, अगर इस पिन पर 1 लिखेंगे तो 1 का मतलब क्या होता है, 5 वोल्ट। जैसे आप वहाँ पर इस पिन पर 1 लिखेंगे यहाँ से 5 वोल्ट बाहर की तरफ निकलेगा जो इसकी बेस पे आ जाएगा। तो मैंने रिवर्स इसलिए चला ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अब अगर आप फॉरवर्ड देखना चाहते हो, जैसे ही 5 वोल्ट यहाँ आएगा, 1 लिखेंगे 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा, ट्रांजिस्टर के बेस पे जाते ही कॉमन कलेक्टर और मीटर आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, तो शॉर्ट होते ही मीटर का ग्राउंड वोल्टेज कहाँ पहुँच जाएगा, रिले की स्पिन पे। रिले की स्पिन पे पहुँचते ही, क्योंकि 12 वोल्ट हमने दे रखा है, ग्राउंड पहुंचते ही यहाँ पर फ्लक्स जनरेट होगा, फिर फोर्स जनरेट होगा। ये फोर्स क्या करेगा, इस मूवेबल स्विच को नीचे कनेक्ट कर देगा एनो वाले पिन पे। जैसे ही इस पिन पे कनेक्ट करेगा, यहाँ से जो करंट रुकी हुई थी उसको पूरा एक चलने का पाथ मिल जाएगा और ये बल्ब जल जाएगा। ये है पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इस रिले को ऑन या ऑफ करने के लिए। मुझे लगता है कि इससे सिंपल तरीका आपको समझ सिंपल तरीके से समझाया जा सकता है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आएगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करेंगे, मैसेज करिए मुझे, मैं और अच्छे से सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये तो हो गया, तो आपको फाइनली आपको ये पता चल गया कि इस बल्ब को जलाने के लिए हमने जो ये कनेक्शन बनाया हुआ है उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जिस भी आईओ पिन से हमने ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया है उस पिन पर बल्ब लाना, बस बन आते ही आपका सारा काम हो जाएगा। और मुझे यहाँ तक याद है, मैंने सारे लास्ट वीडियोस में आपको प्रोग्रामिंग काफ़ी अच्छे से बताई है, एलईडी में बताया है, 7 सेगमेंट बताया है कि 1 या 0 लाने के लिए आपको क्या प्रोग्रामिंग करनी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और फिर मैं आज फिर से यहाँ से बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि एक बार आपको फिर से सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। तो चलिए करते हैं प्रोग्रामिंग। हमने यहाँ पर पोर्ट ए ले लिया है, पोर्ट ए की 7 पिन ले ली है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा हम क्या लिखते थे, इंक्लूड avr/io.h, फिर लिखते थे इंक्लूड util/delay.h, फिर मेन फंक्शन void main, मेन फंक्शन के curly braces चलिए यहाँ लगा लेते हैं,
अगर आपको ये प्रोसेस सिर्फ एक बार ही कराना है तो आप मेन के अंदर लिखेंगे तो एक बार में एक ही बार चलेगा। अगर आपको किसी चीज़ को कंटिन्यूअस चलाना है इनफाइनाइट टाइम के लिए लगातार लूप में, तो मैंने आपको व्हाइल लूप के बारे में बताया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें पीछे वीडियो की रिवाइज चीज़ें हैं। तो हम व्हाइल लूप में लिखेंगे, इसको ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है, सिंपल वैसे ही है जैसे एलईडी को जलाते थे, क्योंकि एलईडी में भी हम वन लाते थे और आगे एलईडी लगी होती तो एलईडी जल जाती थी। यहाँ पर भी वन लाएंगे, यहाँ ट्रांजिस्टर स्विच कर जाएगा और आपका रिले चल जाएगा। सारा काम वन लाने का है और फाइव वोल्ट लाने का है। तो मेन ले लिया, ये लिख लिया हमने। अब आपने हमने देखा कौन सा पोर्ट यूज़ किया हुआ है, हमने देखा है कि हमने पोर्ट ए यूज़ किया हुआ है। इसलिए यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले इसको, क्योंकि हमें वोल्टेज बाहर की तरफ निकालना है, मतलब वोल्टेज को आउटपुट करना है, इसका मतलब डी डी आर ए को पहले आउटपुट बनाएंगे। आउटपुट बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला, उस पिन को वन लिखते हैं। तो जीरो बी, क्योंकि ये सेवन्थ पिन है, सेवन्थ पिन मतलब पहली एम एस बी, तो ये वाली पिन बाकी सबको जीरो कर दीजिए, तो वन लिख दीजिए सेमी कॉलन। मैंने आपको बताया था ना, ये जो होती है ये जीरो बिट होती है और ये जो होती है ये सेवन्थ बिट होती है, याद आ गया होगा आप लोगों को। तो यहां पर मैं सेवन्थ बिट लिए तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सेवन्थ बिट को बंद कर दिया, तो ये आउटपुट बन गया। अब यहां से ये हमने डीडीआर से आउटपुट आ दिया, मतलब हमने ये बना दिया कि अब इस पिन से आउटपुट बाहर जाएगा। अब आउटपुट कितना बाहर जाएगा उसके लिए आप क्या कर यूज करते थे, पोर्ट। तो पोर्ट यूज करने के पहले हम क्या करें, वाइल लूप लगा लेते हैं, वाइल वन, और इसका भी कर्ली ब्रैकेट यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए पोर्ट ए और सेवन्थ बिट है, इसको भी आपको वन ही लिखना है क्योंकि फाइव वोल्ट बाहर निकालना है, वन। ये हो गया ऑन, फिर करना है आपको ऑफ। ऑफ करने के लिए इसी पिन को वापस से जीरो करना है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हो गया, लेकिन आप इसको चलाएंगे तो चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्रोग्राम इतनी तेज से रन होगा कि आपको आउटपुट दिखेगा नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले भी जब हम एलईडी आपको पढ़ा रहे थे तो हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था, डिले। तो आप यहाँ पर भी डिले फंक्शन लगाइए, अंडरस्कोर डिले अंडरस्कोर एम एस, सपोज हम यहाँ पर 300 मिली सेकेंड का डिले दे देते हैं, डिले अंडरस्कोर एम एस 300 मिली सेकेंड का डिले दे दिया। अब ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो होगा क्या, जैसे ये डीडीआर वाली लाइन पे आएगा, पिन को आउटपुट बना दिया, वाइल के अंदर आया, पोर्ट ए जैसे यहाँ पर वन लिखा, यहाँ पर वन आया, बनाते यहां पर 5 वोल्ट गया, ट्रांजिस्टर स्विच हुआ, यहां पर 0 आ गया, ये पिन नीचे आ गई और बल्ब जल गया। ठीक है, और ये कितनी देर तक जलेगा, 300 मिली सेकेंड तक, मतलब 300 मिली सेकेंड तक ये ट्रांजिस्टर को ऑन रखेगा और ये बल्ब जलता रहेगा। फिर क्या कर दिया, 300 मिली सेकेंड के बाद इसको 0 कर दिया, यहाँ 0 लिखते ही यहाँ 0 वोल्ट आ गया, ये कलेक्टर मीटर वापस से ओपन हो जाएंगे, यहाँ पर फिर से कोई वोल्टेज नहीं रहा तो ये वापस पिन ऊपर चली जाएगी, फिर बल्ब बुझ जाएगा। अब चूंकि ये वाइल लूप के अंदर है तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलेगा, तो आपका बल्ब हर 300 मिली सेकंड के लिए जलेगा, 300 मिली सेकंड बंद होगा, फिर जलेगा, फिर बंद होगा, जलेगा, फिर जलेगा, बंद होगा, जलेगा, बंद होगा, जलेगा, बंद होगा। अब इस डिले, ये जो डिले फंक्शन है इसको आप बढ़ा सकते हैं, 300 से 500 कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बल्ब जलता ही रहे तो आप बंद करने वाले प्रोग्राम को हटा दीजिए, बल्ब जलता रहेगा। आप चाहते हैं कि बल्ब ज़्यादा देर के लिए जले, कम देर के लिए बंद हो, तो आप जलने वाले डिले को बढ़ाइए, बंद करने वाले डिले को कम कर दीजिए। तो इस तरह से आप वेरिएशन बना सकते हैं। अब चूंकि देखिए, या तो मैंने सिंगल पिन की बात करी, एक ही रिले लगाया है, और आपके पास तो 32 आईओ पिन्स हैं, समझ रहे हैं आप, 32 आईओ पिन्स हैं, इनपुट आउटपुट पिन्स, मतलब 32 आईओ पिन से आप 32 ट्रांजिस्टर जोड़ सकते हैं। इसका मतलब एक कंट्रोलर का यूज़ करके आप मैक्सिमम कितने रिले को ऑपरेट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ, 32 रिलेज एक साथ, 32 रिलेज के लिए आप प्रोग्राम भी लिख सकते हैं।
और मुझे नहीं लगता कि किसी भी डिवाइस में, कितनी बड़ी भी डिवाइस आप बनाएंगे, तो आपको 32 रिलेस एक साथ चलानी होगी, 1, 2, 3, 4, 6, मैक्सिमम 8, 10, जो भी चलानी हो उसके लिए तो सफिशियंट है ये। तो एक रिले आपने देख लिया, ऐसे ही अगर मान लीजिए इस पिन से हम सेम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पर और वापस से PA6 वाले पे कनेक्ट कर देते हैं, तो आपका इस पिन को बंद करना होगा, इस पिन को बंद, दोनों पिन को बंद करना होगा, दोनों को जीरो करना होगा, एक अल्टरनेट जलाना, तो एक को बंद एक को जीरो, जो मैंने जैसा मैंने लास्ट LED वीडियो में बताया, LED को जब जला रहे थे, जो प्रोग्राम कर रहे थे उस वाले वीडियो में बताया था, तो सेम वैसे ही है। बस यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर आप रिले को चला रहे हैं, वहाँ LED को चला रहे हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर कनेक्शन है वो बढ़ गया है, वहाँ कम था। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है किसी भी रिले को चलाने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें, और जो लोग भी इस वीडियो पे आए हैं नए पहली बार, वो ज़रूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, पुरानी सारी वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, जिन लोगों ने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें, और आपके जो भी कमेंट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में, मैसेज में, मेल में बताएं, और इस तरह अपना प्यार बनाए रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। नमस्कार।